उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 2.5 लाख कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। जी हाँ, योगी सरकार ने प्रदेश के करीब 2,44,565 सरकारी कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी रोक दी है। सरकार की सख्त हिदायत के बाद इन कर्मचारियों का वेतन रोका गया है। सैलरी रोके जाने की वजह सरकारी आदेश का पालन नहीं करना है। दरअसल सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश दिया था। यूपी की योगी सरकार ने पिछले दिनों सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर चढ़ाने को कहा था। सख्त हिदायत के बाद भी अभी तक 2,44,565 राज्य कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर नहीं चढ़ाया। ऐसे कर्मचारियों पर सरकार ने अब सख्त एक्शन लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों का अगस्त महीने का वेतन रोक दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक केवल 71% कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त 2024 तक अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं देने पर सख्त कार्रवाई करते हुए 2,45,000 राज्य कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी रोक दी है। वहीं आईएएस और पीसीएस की सैलरी जारी कर दी गई है, क्योंकि उनकी संपत्ति स्पैरो पोर्टल पर दर्ज थी। विभागों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक उन कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई है जिन्होंने 31 अगस्त तक अनिवार्य तौर पर मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा दर्ज नहीं करवाया। सरकार की डेडलाइन के बाद ही जिन कर्मचारियों ने प्रॉपर्टी डिटेल्स नहीं दी, अब सरकारी आदेश के चलते उनकी अगस्त महीने की सैलरी रोकी गई है। राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य कर्मियों को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था। इसके लिए कई बार कर्मचारियों को रिमाइंडर भी दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी थी। इसके बाद भी करीब 30% कर्मचारी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए। प्रदेश में कुल 8,46,640 कर्मचारी हैं, जिनमें से सिर्फ 6,02,075 कर्मचारियों ने ही अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया। 71% कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन की। दरअसल यूपी सरकार ने आईएएस और पीसीएस की ही तर्ज पर सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की डिटेल्स ऑनलाइन करने के आदेश दिए थे। हालांकि इसमें शिक्षकों के साथ निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया था। जिन कर्मचारियों ने सरकारी आदेश को हल्के में लिया, उनकी सैलरी रुक गई। माना जा रहा है कि उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।